हेलो, वेलकम माय चैनल स्किल नॉलेज। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हेडिंग से रिलेटेड है, यानी स्टाइल से रिलेटेड है। इस तरह का मैंने ये फॉर्मेट बना के रखा है। आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है इस तरह का, ये स्टाइल है। किसी भी तरह के स्टाइल पे वर्ड, इस वर्ड के किसी भी तरह का वर्ड करने के लिए आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ जैसे जैसे माउस पॉइंटर जा रहा है वो चेंज हो रहा है। अगर हमें इस पर अच्छे से वर्क करना है तो कैसे करेंगे? विदाउट वर्क कैसे होगा, वर्क विद कैसे होगा, मैं दोनों आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है, अभी अगर मैं इस पर स्टाइल पे जाता हूँ और आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे जैसे ये माउस पॉइंटर जा रहा है हालांकि ये चेंज तो हो रहा है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है इस तरह से करना। और अगर हम कलर पे आते हैं तो आप देखेंगे कलर ऑप्शंस, कलर पे कलर नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस वर्क करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग से कोई भी हेडिंग सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। देन स्टाइल में जाएंगे, अब फॉन्ट स्टाइल सेट ले लेंगे जो भी हमको लेना हो। तो जैसे कि आप देखते हैं जिंदगी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, ओके, इस तरीके से मतलब जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो आप फॉर्मेट ले सकते हैं उनसे, इस तरीके से फॉर्मेट फैंसी। जैसे मान लीजिए मैं इसको बनाना है, सर इस तरह का मैंने बनाया। अब मैं इस पर कलर चाहता हूँ तो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ आते हैं चेंज स्टाइल में, यहाँ कलर में, तो जो भी कलर आप देखेंगे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। जो भी कलर आप लेना चाहें, जैसे मैं लेना चाहता हूँ इसे बाहर कहीं सेलेक्ट कीजिए, तो इस तरह का आपको एक कलर ऑप्शन मिल गया। और अगर हम इसको कंट्रोल के साथ पी करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें ये शो करेगा, ये सिलेक्शन नहीं है, विदाउट सेलेक्टेड है, ओके। मैं आपको होम टैब पे भी जाकर दिखा दे रहा हूँ, देखेंगे कहीं भी ये सेलेक्ट नहीं है, ओके। देन मैं होम जाते हैं, होम पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ आउटपुट इस तरीके से दिखेगा। तो हम हेडिंग स्टाइल से कोई भी स्टाइल बना सकते हैं, ओके। इस तरह से बना के हम अपना फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।